लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेगी। राहुल गांधी ने 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के प्रचार के आखिरी दिन सुरनकोट और श्रीनगर में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर का शासन दिल्ली के बजाय स्थानीय लोग देखें। उन्होंने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने लोकसभा चुनाव के बाद उसका मनोविज्ञान तोड़ा है। हम उन पर दबाव बनाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये यानी कि राज्य का दर्जा बहाल हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम करेंगे। सुरनकोट विधानसभा में राहुल गांधी ने इस बात पर रोशनी डाली कि जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जिसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी और इसे संसद में ले जाकर राज्य का दर्जा बहाल करना सुनिश्चित करेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि राज्य सरकार को चुनाव होने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बहाल करना चाहिए, खास तौर से राज्य का दर्जा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीनने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया। उन्हें यह भी कहा कि हमारा विचार था कि पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और उसके बाद चुनाव होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। हम उन पर दबाव बनाएंगे और चुनाव के बाद आपको राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। राहुल गांधी ने लोगों के अधिकार छीनने के लिए भाजपा नीति सरकार की भी आलोचना की और इसकी तुलना जम्मू कश्मीर में पूर्व की सरकारों से की जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती थी और लोगों के हित में फैसले करती थी। उन्हें कहा कि आज बाहरी लोग आपके लिए फैसले कर रहे हैं और आपकी सरकार में आपकी आवाज़ नहीं है। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से आदेश आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू कश्मीर से चलाई जाए। उन्होंने लोगों को संसद में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें कहा कि मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, बस मुझे एक आदेश दें और मैं आपकी मदद करने के लिए वहाँ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि फारूक साहब देश में नफरत की बात करते हैं, बीजेपी और आरएसएस जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में 24 घंटे नफरत फैला रही है। वो जहां भी जाते हैं वो एक भाई को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर और पूरे देश में नफरत फैलाई। वो केवल इस बात को जानते हैं और कुछ नहीं, उनकी राजनीति नफरत पर बेस्ड है। राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जीता जा सकता है। राहुल ने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई में लगे हुए हैं, एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ प्यार की दुकानें खोलना चाहते हैं। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक केवल एक संदेश के साथ एक और मार्च किया कि नफरत से किसी को कोई फायदा नहीं है। हमने हर राज्य में नफरत के बाजारों में प्यार की दुकानें खोली हैं।